स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ GTA 5 गेम इन माई लो एंड लैपटॉप जो i3 8th जनरेशन और इंटेल HD 620 बेस्ड एक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ GTA 5 गेम और दिखाऊंगी कि आप लोग को कितने FPS मिलता है। तो गाइस बेसिकली GTA 5 मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था GTA 5 को अगेन टेस्ट करने के लिए, तो मे बी ये मेरा लास्ट GTA 5 का टेस्ट हो सकता है। तो गाइस आप वीडियो को ऑब्वियसली पूरा देखना। एंड गाइस अगर आपको भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेक्स है तो आपको कितने FPS मिलेगा इन GTA 5, इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और अगर आपका मुझसे थोड़ा बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है तो आपको कितने FPS मिलेगा इसके लिए आपको आपका स्पेसिफिकेशन कमेंट करना पड़ेगा। मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितने FPS मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली वीडियो को तो ऑब्वियसली पूरा देखना ही देखना। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा है ग्राफिक्स सेटिंग्स की, कौन से ग्राफिक्स सेटिंग्स पे मैं इस गेम को चला रहा हूं। तो मैं जाता हूं सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं जाता हूं ग्राफिक्स पे। यहां पर जो मैंने रेजोल्यूशन रखा है मैंने 800:600 एस्पेक्ट रेशियो ऑटो है, रिफ्रेश रेट 60Hz, FXA ऑफ है, MSA ऑफ है, वीसिंक ऑफ है, सब कुछ मैंने नॉर्मल करके रखा है। आप लोग देख सकते हो मतलब लोएस्ट सेटिंग्स पे करके रखा है। तो यहाँ पर मैं 800:600 रेजोल्यूशन और नॉर्मल सेटिंग्स पे इस गेम को चला रहा हूँ और देखूंगा कि मुझे कितने FPS मिलता है। तो मैं सीधा चला तो गेम पर देखता हूँ मुझे कितना FPS मिलता है। देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूँ गेम पर। अभी जो मुझे FPS आ रहा है वो 30 का FPS आप लोग देख सकते हो देखने के लिए मिल रहा है, 29 का FPS। तो मैं चला रहा हूँ, देखता हूँ थोड़ा कार फार पे घूम के कितने FPS देता है। तो चलो, तो यहाँ पर जो है मुझे 30 का FPS ही अभी तक मिल रहा है, 29 का FPS, तो ओ शिट 28 का FPS गाइस देखने के लिए मिल रहा है इन 800:600 नॉर्मल सेटिंग्स पर इस गेम को मैं चला रहा हूँ। तो सिंपली 25 का FPS, 21 का, 23 का। तो ये गेम में मुझे एक प्रॉब्लम आता है जो है FPS ड्रॉप का। कभी कभार मतलब गेम चलते चलते स्टटर्स हो जाता है, रुक जाता है, तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए मुझे मिलता है बेसिकली। तो 24 का गाइस FPS देखने के लिए मिलता है, मे भी पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों है, बट ये प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिलता है। 26-25 का जो है FPS देखने के लिए, बेसिकली ये जो है ये एक मेमोरी लीक प्रॉब्लम है जो मैंने सुना था कि मतलब ये अगर सॉल्व कर सकता है तो रॉकस्टार ही सॉल्व कर सकते हैं फॉर लो एंड PC, और नहीं तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा। तो अभी 31 का FPS गाइस देखने के लिए मिल रहा है, 30 का FPS, 29 का FPS। तो गाइस अगर आपका भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेक्स है तो आपको भी सेम FPS ही मिलेगा गाइस, कोई ज़्यादा या फिर कम ऐसे FPS देखने के लिए नहीं मिलेगा। 22 का गाइस FPS देखने के लिए मिला है, यहाँ पर देख सकते हो मुझे स्टटर्स देखने के लिए मिला जो है ये FPS ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, मुझे पता नहीं क्यों बट मिलता है यार। काफ़ी FPS ड्रॉप काफ़ी कभार देखने के लिए मिलता है। अभी 24 का गाइस FPS देखने के लिए मिला है, 25 का। तो गाइस आप चाहो तो आप मतलब गेम को खेल सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्लेबल नहीं है, क्योंकि मैं इस सेटिंग्स पे मेरे लैपटॉप पे GTA 5 को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप लोग भी चाहो तो ऑब्वियसली चाहो तो कर ही सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस अगर आपका मुझसे थोड़ा बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला PC लैपटॉप है तो ज़रूर कमेंट करना आपका स्पेसिफिकेशन में, कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितने FPS मिल सकता है। तो अभी जो है 28-27 और देख सकते हो FPS ड्रॉप देखने के लिए मिला। जब FPS ड्रॉप हो रहा है तो FPS काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जा रहा है, तो इसलिए वो चलो यहाँ पर देखते हैं। 32 का गाइस, 31 का गाइस FPS देखने के लिए मिलता है, ओ शिट। तो मैं काफ़ी अच्छा खासा ड्राइविंग कर रहा हूँ तो जो भी हो। 34 का गाइस FPS देखने के लिए मिल रहा है, 29 का FPS, 26 का, 24 का गाइस। तो गाइस बेसिकली ये बहुत ही एरिया वाली जगह है तो यहाँ पर अच्छी तरीके से FPS का जो है पता चलता है। तो अभी जो है 24 का गाइस FPS देखने के लिए मिलता है, तो 24 का गाइस FPS, तो 23 का। तो गाइस अगर जो एवरेज FPS की बात करें तो एवरेज जो FPS देखने के लिए मिला है वो 25-24 मतलब बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा तो 25 प्लस FPS ही रह रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर से, तो अभी जो है 25 का गाइस FPS देखने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा धमाका कर दिया जाए। तो अभी जो है 33 का गाइस FPS देखने के लिए मिल रहा है, ऊपर देख सकते हो FPS ड्रॉप देखने के लिए मिला फिर से, तो 20 का FPS। तो गाइस ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऑप्टिमाइजेशन रॉकस्टार का अच्छा होता है, बट इस गेम में भी ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, बट FPS ड्रॉप एक इशू है जो बोल सकते हो इशू ही बोल सकते हो, इसको ऑप्टिमाइजेशन से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अभी जो है 32 का गाइस FPS देखने के लिए मिल रहा है, 34 का गाइस FPS, 35 का। तो आप चाहो तो ये गेम बेसिकली प्लेबल है, आप चाहो तो इस गेम को प्ले कर सकते हो। 37 का गाइस FPS देखने के लिए मिला, तो 38 का गाइस FPS देखने के लिए मिल रहा है, 33 का FPS। तो बेसिकली ओपन वर्ल्ड गेम है, तो जब हम मतलब FPS जो है एरिया पे ज़्यादा बेस करता है कि कौन से एरिया पे कौन सा मतलब जो है कहाँ पे FPS ज़्यादा कम है, ऐसे एरिया के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेस रहता है। तो अभी 33 का गाइस FPS देखने के लिए मिल रहा है, ओ शिट 31 का, तो मैं से मर गया, मेरी जो है रॉकेट लॉन्चर से मैंने मारा तो मैं ही मर गया। तो जो भी हो, तो गाइस बेसिकली जो FPS देखने के लिए मिल रहा है वो 30 से ऊपर जा रहा है कभी कभार, और ज़्यादा से ज़्यादा तो एवरेज की बात करें तो एवरेज 25 प्लस FPS गाइस हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी आई थिंक प्लेबल होगा ये FPS। अगर आप एक लो एंड गेमर हो तो आपके लिए मतलब उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है।
तो अभी 33 का गाइस FPS देखने के लिए मिल रहा है, देख सकते हो आप लोग। नॉर्मली आप घूम सकते हो, आपको कोई भी लैग वगैरह, बट जब कार चलाओगे और काफ़ी देर तक चलाओगे तो आपको FPS ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली तो गेम प्लेबल है, मैं तो खेल चुका हूँ, ऑब्वियसली कंप्लीट भी कर चुका हूँ, सिर्फ खेला नहीं हो। तो वीडियो में ज़्यादा गाइस लंबा नहीं करूँगा, आप लोगों ने देखा तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। वीडियो आज के लिए इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन प्रेस करके ऑल कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।